मंशूर भी हमारा आपके पास आपके हाथ में है। ये हुकूमत हर जात के लोगों की तरक्की चाहती है। तरक्की को देखिए आप, तरक्की हमारे पास क्या हो रही है उसको मद्देनजर रखिए। आपके पास हर कैंडिडेट आएंगे, आपके पास कांग्रेस के कैंडिडेट आएंगे, आपके पास बीजेपी के कैंडिडेट आएंगे, लेकिन में वो उम्मीदवार तो कांग्रेस के हो और बीजेपी के हो, उम्मीदवार कहाँ गए? और कुर्सी बदलने के सिवा जब कुर्सी बदलती थी तो दंगा फसाद होते। आप डेवलपमेंट को देखिए, हमारे साथ हमारी हुकूमत मुसलमानों के लिए क्या कर रही है उस पर गौर और फिक्र कीजिए। और रही है बात हमारे लिए तालीम के मैदान में, आज डॉक्टर्स इंजीनियर्स बच्चे पढ़ रहे हैं। आज माइनॉरिटी स्कूल जो कायम किया गया, कभी आप जाकर देखिए, 30 लाख की लागत से 17 एकड़ पर 30 करोड़ रुपए, इतनी रकम हो गई बोलने के लिए भी हिचकिचाना पड़ रहा। इतनी रकम आज तक कोई नहीं दिए, आज उतनी रकम भारी रकम हमको दिए। इसी तरीके से यानी कि तिब्बी मामले में, मेडिकल फील्ड में हो या आपको कोई भी सहूलत लीजिए, यानी कि बच्चा पैदा होने से लेके आखिरी तक ये हुकूमत हमारा साथ दे रही है। और आने वाले दिनों में अब तो इंटरमीडिएट है, डिग्री कॉलेज का भी कायम अमल में आएगा। मेरे भाइयों, अजान देने से वाले तक, अजान मौजन तक, मौजन से लेके इमाम तक, उसका भी ख्याल रखा गया हमारे पास हमारी हुकूमत में। आज तक ये कोई करे क्या? आज इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आज हमारे आली जनाब इंदिरा गरेटी साहब आए हैं। वार्ड नंबर 2739 में सब कम से कम एक 80 लाख रुपए का काम हुआ, ड्रेन पाइप लाइनिंग सब होगी। आपकी बदौलत आज महले महले में, गली गली में ड्रेन का काम हो चुका है और पाइप लाइनिंग और स्ट्रीट लाइट्स खम्भे वगैरह। अभी ये थोड़ा काम बाकी है कम्युनिटी हॉल, हमारे महले के बुजुर्ग हजरात कमेटी पूरे कम्युनिटी हॉल के वास्ते थोड़ा नाराज़ है सब। वो कम्युनिटी हॉल नहीं है बोल के नाराज़ है। आप वो वादा करे थे साहब, मगर वो वादा पूरा नहीं करे बोल के हमारे महले के पूरे आदमी नाराज है। तो मैं हमारे एग्रीटी साहब से बोलना चाह रहा हूँ, जीतने के बाद फौरी साहब 1 करोड़ देकर सैंक्शन करा के कम्युनिटी हॉल बनाया जाए, जो 2 वार्डों के लिए होना चाहिए। हमको कई सालों से नहीं है सब। और सबसे पहले एक बात और बोलना चाह रहा हूँ साहब, निर्मल में माइनॉरिटीज के वास्ते, आपके वास्ते माइनॉरिटी हम कभी भी लड़ झगड़ के तुम्हारे पास ही काम करते, कभी भी लड़ झगड़ के काम तुम्हारे वास्ते ही करते साहब। हम हमारे को 12 मैं समझता हूँ निर्मल टाउन में कम से कम 14 वार्ड होंगे माइनॉरिटीज के कम से कम साहब। अब जीतने के बाद कम से कम एक एक वार्ड को कम्युनिटी हॉल के वास्ते 1-1 करोड़ रुपये देना साहब, 1-1 करोड़ रुपये देना साहब। वह कम्युनिटी हॉल के वास्ते शादी खाने बना लेते साहब, 1 करोड़ रुपये नहीं तो नहीं 50 लाख तो दियो सब। कम्युनिटी हॉल है हमारे माइनॉरिटी, कोई पूछने वाले नहीं है क्या बोल। थोड़े काम आए सब, अब जैसा है कि खबरस्तान है, 50 लाख रुपये आप सैंक्शन किए मगर उसका टेंडर नहीं हुआ। अंदर के लिए बाथरूम्स के लिए 50 लाख रुपये सैंक्शन हुए, चेयरमैन साहब आपको ही मालूम है, साहब को ही मालूम है, ग्रेवयार्ड को ले गया था सब। तो 50 लाख रुपये की लागत से वो ग्रेवयार्ड में अंदर जो बाथरूम से हमारे सदर साहब बोले थे वो बाथरूम से बनाने का है सब। अब वो भी हमारे को तयफून दिए तो अच्छा रहता हो, 100% लीड आएंगे आपके लिए। हम लास्ट टाइम में भी थोड़ा ये हो गया, मुश्किल हो गई थी, इंशाल्लाह वो लास्ट टाइम की कसर अब निकाल ली। अब ठीक है, कार के निशान को वोट दीजिए और अपने रिश्तेदारों को कोई भी है उन लोग सबको बोलिए मिनिस्टर बनाइए सब। हरदिल अजीज मिनिस्टर जनाब इंदिरा कंवर रेड्डी साहब की वार्ड नंबर 27 और 39 के अंदर आज इंतखाबी पैदल दौरा और घर घर मुलाकात के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए जनाब इंदिरा कंवर रेड्डी साहब, हमारे चेयरमैन
जनाब जीश्वर साहब, हमारे सदर मजलिस अजीमिन अय्या साहब, मुकामी कौंसलर तोहिदुद्दीन रफू साहब और हमारे कौंसलर्स मुजाहिद अली साहब, अबरार साहब और सलीम साहब, दिगर कौंसलर्स और हमारे मस्जिद के कमेटी के इंतजामी कमेटी के सदर जनाब सैयद बशीर अली साहब और हज कमेटी के सदर हमारे हया साहब, हमारे महल के बुजुर्गों, नौजवानों, तमाम मेरी पसे पर्दा सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि अब हमारे सामने सिर्फ एक चैलेंज है, हमारा मुकाबला बीजेपी से है। मैं अब तमाम बातें तो हमारे कौंसलर साहब बता दिए, लेकिन मैं अहम बात बताने चाह रहा हूँ। ये इंदिरा कंद रेड्डी साहब का दूसरा नाम उनका केरा फटरस डेवलपमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंदिरा कंद रेड्डी साहब का केरा फटरस डेवलपमेंट है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, किसी मजहब जात को देखे बगैर बहुत सारे काम किए हैं, सब चश्मदीद गवाह है। हमारी गुलजार मस्जिद के वास्ते भी 12 लाख रुपए दिए, पूरे 4,50,75 लाख रुपये निर्मल के मस्जिदों के लिए दिए। पहली मरतबा तारीख के अंदर कांग्रेस, मैं पूछ रहा हूँ आज कांग्रेस वाले दारे 12,000 इमाम को, 10,000 मौजन को, 55 साल हुकूमत करे तो एक पैसा नहीं दिए इमाम और मौजन को, नहीं पीछे 55 साल में किसी मस्जिद को कोई फंड नहीं आया। मैं खैर, इधर अब हमारे केसीआर साहब जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए यही बताया जाना जरूरी है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आंख मूंछ के तारीफ नहीं करते, जो हमारी कौम को करने वाला है। हमको बार बार इंस्ट्रक्शन आ रहा है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क्या कर रहे हो वहाँ पे, तुम वहाँ पे बीजेपी का मुकाबला है, ऐसा अजीम ही नहीं है, तुम्हारी टीम को लेके पीछे जाओ, इंदिरा कंद रेड्डी के पीछे घर घर जाओ मुसलमानों के, उसके साथ में जाके उनके उनके पैर उनके उनको ये समझाओ कि आने वाले दिनों के अंदर हम अपना मुकाबला करने का है। फिरका परस्त ताकतें मजबूत हो रहे मत दो, फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला करने के लिए निर्मल में इंदिरा कंद रेड्डी मौजूद है। और आने वाले दिनों के अंदर देखो भाई, हमारा एक भरम रहा, माइनॉरिटीज मुसलमान जिस कोर्ट डाले उन्हें जीता, ये तारीख है निर्मल की। अगर खुदा ना खास्ता बीजेपी जीतते हैं तो हमारा भ्रम भी खत्म हो जाएगा और ये हम भ्रम खत्म होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। 58,000 मुसलमान वोट है निर्मल कॉन्स्टिट्यूंसी में, 2,50,000 में 58,000 मुसलमान वोट है, 40,000 से 45,000 पोलिंग होती है। मैं तयखुन देता हूँ मुसलमानों ने निर्मल की जानिब से 90% मुसलमान आपके साथ है साहब, 10% दाखिले होंगे अपनी जगह है, लेकिन मुसलमान आने वाले दिनों में आपके साथ है और आपके साथ कुछ शिकायतें होंगी, हमको शिकायतों को आपसे कोई कदमी पूरा कोई भी कंप्लीट काम नहीं कर सकता, कोई हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हम वो शिकायतों को बारह ताक रखकर आने वाले दिनों में ये उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे साथ तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में, हमारे मुसलमान बच्चों को साथ में भी डेवलपमेंट करेंगे। और आपसे हमारी ये उम्मीद है कि भाइयों, हमारा मुकाबला बीजेपी से, कांग्रेस तीसरे नंबर पे है, उसके पास जाओ मत, आप अपना वोट वेस्ट करो मत। हम हर घर में हमारे घरों के जिम्मेदार लोगों से मेरी अपील है, अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, सबको समझाइए कि हमारा मुकाबला बीजेपी से, हमको बीजेपी से मुकाबला करना है, तो 30 तारीख के दिन कार के निशान पे वोट डालिए और भारी अक्षरे से इंदिरा कंद रेड्डी साहब को कामयाब करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।